नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। वाराणसी के ज्ञान व्यापी और श्रृंगार गौरी परिसर में अदालत के आदेश पर शुक्रवार को एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में एक टीम ने ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाहर के कुछ हिस्सों की वीडियोग्राफी और सर्वे किया गया। वादी पक्ष के वकील के मुताबिक शनिवार को बैरिकेडिंग के अंदर सर्वे कराया जाएगा। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए इसके खिलाफ अदालत में प्रार्थना पत्र देने का ऐलान किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में दोनों पक्ष की अलग अलग राय है। अब इस पर वादी पक्ष के वकील का क्या कहना है, इस वीडियो में देखिए। खत्म हो जाएगा या आगे भी चले? अभी एक बात नहीं कही जा सकती है क्योंकि थोड़ी लंबी प्रक्रिया हो सकती है, पर कल पूरे परिसर की वीडियोग्राफी होगी और कल एडवोकेट कमिश्नर हम लोगों की मौजूदगी में बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे। आज आप लोग कहां तक कवर कर पाए सर? किसी भी प्रकार का विरोध दर्ज कराना तो उन्होंने दर्ज कराया है। वादी पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के वीडियोग्राफी सर्वे का काम पूरा होने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि एडवोकेट कमिश्नर ने जिलाधिकारी से समन्वय करके ये लिख दिया है कि कल हम बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे। कल 3 बजे का समय निर्धारित हुआ है। बैरिकेटिंग के अंदर जाने के लिए कल पूरे परिसर की वीडियोग्राफी होगी और एडवोकेट कमिश्नर हम लोगों की मौजूदगी में बैरिकेटिंग के अंदर जाएंगे। वहीं इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ का क्या कहना है, इस वीडियो में देखिए। 4 बजे कमीशन कार्रवाई शुरू हुई है, 4 बजे कमीशन कार्रवाई शुरू हुई है और अभी कितना समय हो रहा है? अभी 5:45 मास्क के पश्चिम तरफ जो चबूतरा है उसकी कुछ वीडियोग्राफी कराई गई। उसके बाद कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है उसको खुलवा करके अंदर जाने के लिए प्रयास किया, जिस पर मैंने अपना विरोध दर्ज करवाया और कहा गया, मैंने कहा कि कोर्ट का कोई इस तरह का आदेश नहीं है कि मन की बैरिकेडिंग के अंदर आप जाकर के उसका वीडियोग्राफी लें, लेकिन वकील कमिश्नर महोदय ने कहा कि मुझे ताला खुलवा करके उसकी वीडियोग्राफी लेने का आदेश है, जबकि ऐसा कोई आदेश नहीं है। लिहाजा मैं वकील कमिश्नर के निष्पक्षता पर सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए एक प्रार्थना पत्र मैंने दिया कि आपका व्यवहार निष्पक्ष नहीं है, आप पार्टी के रूप में यहाँ पर कार्रवाई करने आ रहे हैं, आप पर मुझको कोई भरोसा नहीं है और कल मैं इसी आशय का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दे करके इन वकील कमिश्नर महोदय को मैं बदलवाने के लिए प्रार्थना पत्र दूंगा। सर, आप लोग इस पूरे कार्यवाही से संतुष्ट है या नहीं? संतुष्ट नहीं हूँ, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। यहाँ पर वादी के अधिवक्तागण खुद खड़े होकर के और न्यायालय के आदेश है उसको उंगली से पूरे करके वो दिखा रहे थे, जबकि पूरे देने का कोई आदेश नहीं है। इस कार्यवाही में संतुष्ट नहीं, तीन मस्जिद परिसर के अंदर गई थी? नहीं नहीं गई, बाहर बाहर। तो देखा आपने, मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने वीडियोग्राफी सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्हें बदलवाने के लिए शनिवार को अदालत में प्रार्थना पत्र देने की बात कही है। उन्होंने सर्वे के दायरे में ली जाने वाली इमारतों को कुरेद कुरेद कर दिखाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अदालत ने खोदने या कुरेदने का कोई आदेश नहीं दिया था और वो शुक्रवार को हुई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने साफ किया है कि वीडियोग्राफी सर्वे टीम ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर नहीं गई। वहीं मुस्लिम पक्ष के लॉयर ने आगे कहा कि आयोग की कार्रवाई 4 बजे शुरू हुई और मस्जिद के पश्चिम की तरफ जो चबूतरा है उसकी वीडियोग्राफी कराई गई। उसके बाद कमिश्नर ने ज्ञानव्यापी मस्जिद का प्रवेश द्वार खुलवाकर अंदर जाने का प्रयास किया, जिस पर मैंने विरोध दर्ज कराया और कहा कि अदालत ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि मस्जिद के अंदर जाकर उसकी वीडियोग्राफी की जाए।
लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने दावा किया कि उन्हें ताला खुलवाकर उसकी वीडियोग्राफी कराने का आदेश मिला है, मगर सच्चाई ये है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। लिहाजा मैं कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैंने प्रार्थना पत्र तैयार किया है, इसमें लिखा है कि कमिश्नर का व्यवहार निष्पक्ष नहीं है, वो एक पक्ष के रूप में कार्रवाई करने आ रहे हैं और उन पर भरोसा नहीं है। कल मैं इसी आशय का प्रार्थना पत्र अदालत में देकर कोर्ट कमिश्नर को बदलवाने का आग्रह करूंगा। वहीं सूत्रों की माने तो विवाद से कुछ समय पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट संख्या 4 के सामने बैरिकेडिंग के पास एक महिला कपड़ा बिछा कर नमाज पढ़ने लगी, जिसे पुलिस बाद में थाने ले गई। पुलिस के अनुसार महिला की पहचान जैतपुरा निवासी आयशा के रूप में हुई है और वो विक्षिप्त है। पुलिस को तलाशी में उसके पास हिंदू देवी देवताओं की फोटो मिली है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर स्थित श्रृंगार गौरी सहित अन्य स्थानों के सर्वे और वीडियोग्राफी की कार्रवाई में एडवोकेट कमिश्नर के ऊपर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगा है। आपको बता दें, आरोप मस्जिद कमेटी की ओर से लगाया गया है। वहीं कमेटी की तरफ से कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग वाला प्रार्थना पत्र भी सिविल जज के कोर्ट में पेश किया गया है। अब देखना यह होगा कि आगे सर्वे में क्या सच बाहर आता है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।